हाय फ्रेंड्स, manisha.com में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ सूजी और दो कच्चे आलू का हेल्दी और टेस्टी शानदार रेसिपी। ये काफ़ी अलग तरह से मैंने बनाया है और ये खाने में यकीन मानिए काफ़ी टेस्टी लगते हैं। आप एक बार ट्राई करें और कैसा जरूर बताएं कमेंट में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं इस तरह का दो रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ वीडियो में। एक ही तरह का डो से मैंने दो रेसिपी तैयार किया है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने दो कच्चे आलू ले लिए हैं, उसे अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया है इस तरह का, देखिए। और इसे पानी में दो तीन पानी से धोने के बाद अच्छी तरह से निचोड़ के ले लेना है। इसके साथ ही मैंने हाफ प्याज बारीक काट के ले लिया है, साथ में कुछ फ्रोजन मटर और गाजर को बारीक कट कर लिया है, धनिया के पत्तों को भी काट के ले लिया, थोड़ी सी हरी मिर्च मैंने लिया है। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और वेजिटेबल इसमें आप कोई भी अपने पसंद का ऐड कर सकते हैं। मैंने एक पैन चढ़ा दिया, इसमें डाल देती हूँ रिफाइंड ऑयल 1 स्पून के करीब। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए डाल देती हूँ साबुत जीरा 1/2 स्पून के करीब, साथ ही 1/2 स्पून राई मैंने डाला है। जैसे चटक जाए डाल देती हूँ प्याज बारीक कटा हुआ, थोड़ा सोते करना है। सारे वेजिटेबल्स को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, जस्ट हल्का सा सोते कर लेना है जिससे कि इसका कच्चापन चला जाए। आप इसमें डाल देती हूँ गाजर, ये भी थोड़ी देर चला लेना है। देती हूँ ये आलू, ये भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। साथ ही डाल देती हूँ हरी मिर्च और ये फ्रोजन मटर और जस्ट हल्का सा 2 सेकेंड मीडियम फ्लेम में फ्राई करना है, जस्ट सोते करना है, बस 2 सेकंड चलाना है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ यह सूजी, 1 कटोरी मैंने सूजी लिया है। सूजी कोई भी मेजरमेंट कप से या फिर बाउल से आप मेजरमेंट कर लीजिए, क्योंकि जितना सूजी उसका जस्ट डबल पानी रहता है। लेकिन जिस मैंने इतने सारे वेजिटेबल्स ऐड किए हैं इसलिए 1/2 कटोरी मैं इसमें ज़्यादा पानी डालूंगी। जस्ट 2 सेकंड चलाना है, डाल देना है पानी। एक बाउल मैंने डाला है, 2 बाउल और लगातार दूसरे हाथ से चलाना है वरना लम्स पड़ जाएंगे साथ ही। और 1/2 बाउल मैंने 2.5 बाउल पानी ऐड किया है, जितना सूजी उसका जस्ट 2.5। 1 बाउल में से मेजर करके डालिए, एकदम नाश्ता आपका परफेक्ट बनेंगे। अब इसमें ऐड कर रही हूँ टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट, मीडियम फ्लेम में इसे सुखा लेना है। अब मैं डाल दे रही हूँ चिली फ्लेक्स, तो का फेवरेट है इसलिए, और साथ में थोड़े से ओरिगानो, इससे इसका फ्लेवर और टेस्ट काफ़ी बेहतरीन होता है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। में थोड़ा सा चटपटा टेस्ट के लिए मैंने डाला है चाट मसाला, आप चाहे तो अमचूर भी ऐड कर सकते हैं, वरना आप एक टमाटर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा स्पाइसी और चटपटा नाश्ता सबको पसंद, और बच्चों को तो खासकर काफ़ी पसंद है। इसे आप बच्चों के नाश्ता टिफिन में भी डाल सकते हैं, बच्चों को काफ़ी पसंद आता है। थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, सबको अच्छा। जब आप सूजी डालिएगा तो एकदम से लो फ्लेम रखना है, और उसके बाद जब पानी और सूजी डाल दीजिएगा उसके बाद मीडियम फ्लेम में अच्छी तरह से लगातार चलाते हुए इसका पानी को सुखा लेना है। ये देखिए एक डो की तरह तैयार करना है। थोड़ा सा कुटा हुआ काली मिर्च, साथ ही हरा धनिया ढेर सारे, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मैंने इस तरह का एक थाली ले लिया है, ऑयल से जस्ट ग्रीस कर लेना है इसे। बैटर को इसमें डाल देती हूँ, किस तरह की स्पैचुला की सहायता से इसे अच्छी तरह से सेट कर लेना है। देखिए ये सेट हो गया है अच्छी तरह से। अब इसे पीसेस इसके छोटे बड़े जैसे हैं कर सकते हैं, सारे पीसेस कर लिए हैं इस तरह का, पीसेस तैयार हो गया है। मैंने एक पैन चढ़ा दी, इसमें डाल देती हूँ ऑयल 4 स्पून के करीब, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है।
जब ऑयल गर्म हो जाए जब उसका गैस का फ्लेम लो कर देना है और एक एक कर सारे पीसेस इसमें ऐड कर देना है। सारे पीसेस इसमें मैंने डाल दिया है। जब एक तरफ से अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाए तब पलट देना है। देखिए इसका कलर कितना शानदार, सारे टिक्की को मैंने पलट दिया। आप दूसरी साइड भी इसे अच्छी तरह से सेक लेना है। देखिए आपको शायद आवाज भी आ रही है कितनी क्रिस्पी। टिक्की को फ्राई कर लेना है। देखिए शानदार, दोनों तरफ से अच्छी तरह से ब्राउन हो गए हैं, यानी अच्छी तरह से सीक गए हैं, एकदम करारे कुरकुरे सूजी और आलू का टेस्टी नाश्ता तैयार है, काफी क्रिस्पी। इन टिक्की को अच्छी तरह से एक एक कर ऑयल से निकाल लेती हूँ। सारे टिक्की हमारा तैयार है। ये देखिए कितने क्रिस्पी, आपको आवाज भी आ रही है, शानदार। इसे एक प्लेट में डाल देती हूँ। ये तैयार है शानदार क्रिस्पी आलू और सूजी का यह शानदार रेसिपी। इसे सॉस के साथ मैंने सर्व किया है, काफी चटपटा धाकेदार रेसिपी। ये देखिए अंदर से बाहर से कितना क्रिस्प और अंदर से भी सॉफ्ट एकदम गर्म है। ये देखिए इसे गर्मा गर्म सॉस के साथ इंजॉय कर सकते हैं। आप इसे शाम के नाश्ते में स्नैक्स के रूप में या फिर बच्चों के टिफिन में भी डाल सकते हैं। उसमें आप ऑयल थोड़ा कम रखिएगा, कम ऑयल में भी अच्छी तरह से सीख जाएंगे। एक अमेजिंग सी रेसिपी आपकी तैयार है। ये अब नेक्स्ट रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। आलू और सूजी का सेम बैटर मैंने ले लिया है, उसी बैटर से मैं तैयार करूंगी एक दूसरी रेसिपी। थोड़े से अदरक मैंने ग्रेट करके ले लिए हैं। साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें चावल का आटा मेन इंग्रेडिएंट्स। इससे जो है ये नाश्ता काफी क्रिस्पी बनेंगे। 2 स्पून के करीब ऐड कर दिया। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। साथ ही थोड़ा सा सॉल्ट टेस्ट अकॉर्डिंग ले लेना है और इसे अच्छी तरह से डो की तरह तैयार करना है। को जितना चावल का आटा चाहिए 2 स्पून से अगर ज़्यादा 3 स्पून भी लग जाते हैं तो आप अच्छी तरह से डो तैयार कर लीजिए। इस तरह से ये डो तैयार हो गए हैं। अब एक नाइफ की सहायता से इसके छोटे छोटे टुकड़े करती हूँ सेम साइज का। इस तरह से टुकड़े कर लिए हैं। अब हाथों में हल्का सा ऑयल डाल के हाथों को चिकना कर लेना है। अब इसके जो पीसेस है इसे लेके हल्के हाथों से दबाते हुए इस तरह से एक एक कर रोल इस तरह का तैयार कर लेना है। इस तरह से मैंने सारे रोल्स को तैयार कर लिया है। पैन में ऑयल है, अब एक एक कर इसमें डाल देना है। अच्छी तरह से क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेना है। अच्छी तरह से चारों तरफ से फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देखिए उलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अगर ऑयल कम लगे तो आप उसमें थोड़ा ऑयल और ऐड कर सकते हैं। मैं इसे कम ऑयल में बना रही हूँ इसमें पैन में। आप चाहे तो इसे ऑयल में छान भी सकते हैं। हेल्दी फूड के हिसाब से और बच्चों के टिफिन के हिसाब से मैंने बनाया है काफ़ी हेल्दी टेस्टी डिलीशियस और क्रिस्पी नाश्ता। बच्चों को दीजिए, बड़ों को दीजिए, बच्चों के टिफिन में भी डाल सकते हैं। बच्चे हर बार टिफिन फिनिश करके आएंगे अगर ऐसी रेसिपी उसको मिल गई तो। अगर कभी मेहमान भी आ जाए अचानक से तो आप, और अगर घर में कुछ ना हो तो आप इसे तैयार करके
आप मेहमानों का दिल जीत सकते हैं। देखिए एकदम से क्रिस्पी नाश्ता से निकाल लेना है। देखिए तैयार है सूजी कच्चे आलू का दो तरह का टेस्टी नाश्ता। ये देखिए कितना क्रिस्पी, शायद आपको आवाज आ रही है, कितने करारे। और ये भी इससे हल्का सा सॉफ्ट है क्योंकि इसमें मैंने चावल का आटा डाला हुआ है, तो इससे और भी खस्ता क्रिस्पी डिलीशियस बने हैं। लीजिए तैयार है सूजी से बनने वाले दो स्पेशल रेसिपी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करना न भूलें। अच्छा लगा या आपको अगर कुछ खराब भी लगा है तो भी आप कमेंट में लिखिए। मुझसे सब्सक्राइब करें। ती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।